तो सलाम नमस्ते, कैसे गए? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये देखो पीछे कोई तो एक जन बैठे हैं, जाने दो उसको। फिलहाल मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी बज रहे सैटरडे आज है 5 फरवरी और हम लोग जा रहे हैं कलसुबाई ट्रैक पे, जो कि है महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक। और बाकी ये इसको हम महाराष्ट्र का एवरेज भी बोला जाता है, उसकी जो शिखर है उसको। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे 5:30 तक, समथिंग अराउंड जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग का। और बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो ये स्क्रीन पे आपको मेरा यूज़र आईडी आ रहा रहेगा, इसको जाके सर्च करो इंस्टा पे और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो। वहाँ पे मेरे व्लॉग्स रिलेटेड सारे अपडेट्स आते रहते हैं कि कब व्लॉग आ रहा है, कब व्लॉग आएगा, तो फॉलो करो। तो बस अभी निकल रहे ट्रैक पे और बाकी हम लोग 5 लोग हैं, मैं, पापा, ऋषि, सुरभि और योगेश। तो 5 लोग ट्रैक पे जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। अभी फिलहाल लिफ्ट में जाते हैं और नीचे गाड़ी में जाके मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। दे 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 पापा। तो गाइस अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा ट्रैवलिंग, तो लेट्स गो। और रास्ते में आगे बात करते हैं, फिलहाल थोड़ा सा रिव्यू सब। अभी 8 बज रहे और हम लोग ने अभी उन्होंने कल्याण फाटा को क्रॉस किया है, लग रहा है कि समथिंग अराउंड 9:30 या 10 तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे। मैंने स्टार्ट में नहीं बताया था और वो चीज़ ये है कि हम लोग मिडनाइट ट्रैकिंग करने वाले हैं, मतलब रात को अंधेरे में 3 बजे हम लोग ट्रैक चालू करेंगे। तो ये पहली बार हम लोग सब लोग करेंगे ये चीज़ और बहुत मज़ा आने वाला है। और सबसे ज़्यादा पहली बार तो गाइस हम लोग बारी बेस विलेज से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। अभी अभी गूगल मैप पे चेक किया, सो गाइस दिस इज द बारी विलेज, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। बॉन फायर हो रहा है, अभी हम लोग भी जाएंगे, थोड़ा सा डिनर वगैरह करेंगे और फिर बॉन फायर में जाएंगे और फिर रात को 3 बजे ट्रैक चालू करेंगे। अभी थोड़ा सा गरम गरम बॉन फायर ले लेते हैं। हेलो, अभी लेना है क्या? तो गाइस ये देखो ये लाइट रखा है हमने, क्योंकि हम लोग मेन नाइट ट्रैकिंग कर रहे हैं तो फिर रात के अभी। तो गाइस आप जाओगे ना तो आपको ऐसे जगह जगह पर ऐसे एरोज मिलेंगे जो आपको फॉलो करना है, तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने बना दिए। यहाँ पे एक डैम ऐसा पानी जैसा, नदी जैसा है, जो ये गाँव की नदी रहेगी शायद से। तो ये देख के प्लीज़ कैरी टॉर्च, विदाउट टॉर्च तो आप ट्रैक कर ही नहीं सकते यहाँ पे रात। अभी बता नहीं कैसे ब्लॉक में ऐसी सीढ़ी चालू हो चुकी है गाइस, ये देखो यहाँ से आई गेस थोड़े टाइम के लिए सीढ़ी रहेगी और फिर से जंगल जैसा चालू हो जाएगा। दिस इज द स्टार्ट, एक जैसे हम जो स्टार्ट कर रहे थे वो नहीं था, ये स्टार्ट है। जय माता कलसुबाई निवास देवस्थान, दिस इज द स्टार्ट। ऐसा लग रहा है ऐसे जंगल में चलने के लिए, ये देखो फुल गाइस ऐसा जंगल में दोनों बाजू में पेड़ ही पेड़ है, ये देखो। और बीच में हम चल रहे हैं सिर्फ टॉर्च पे, हाँ, बाकी लोग भी चल, इतना जो चढ़ रहे हैं सब मेहनत तभी सक्सेस होगी अगर हम लोग सनराइज देख पाए। बाकी इतना जो डरा है हम लोग जरूर चल रहे, जरा डर गए हम लोग। वही देखो इतने अंधेरे में चलना मिड नाइट, वो भी रात को 3:04:19 हो रहा है अभी, उसके लिए सनराइज नहीं यार। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद का सीन, ओनली लाइट लाइट दिख रही है, सुबह तो शायद से नजारा कुछ अलग होता और अच्छा होता। ये देखो थोड़ी नीचे से आ रहे, मैं सुरभि होकर ऊपर पहुंच गए, फिर भी चढ़ जाए तो नजारा देखो बहुत मस्त। टाइम हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा एनर्जी एग्जॉस्ट पे होता जा रहा है और अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया यहाँ पे। और हुआ एक्चुअली सीन ये कि ऋषि चल चल के बहुत थक गया था, तो ऋषि और पापा एकदम ही नीचे छूट गए हम लोग से, मतलब वो छूट गए पीछे, और मैं योगेश फिर भी ऊपर आ गए। हम तीनों चल रहे पर धीरे धीरे तीनों की एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही, तो अब थोड़ा सा ब्रेक ले रहे। और अभी अभी टाइम हो रहा है 5:10 और मेरा एम है कि 5:30 तक हमको जो एक प्लेटो होता है ना वहाँ पर पहुँचना है। और यहाँ पे थोड़ी सी वापस सीढ़ी आ गई है, तो मिलते हैं आप थोड़ी देर में। दिस गाइस कितना मस्त लग रहा है रात को यहाँ से, और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और नजारा देखो समर क्लिप, तो ये देखो
इतना ज़्यादा चढ़ के आया और कितना मस्त लग रहा है। मेरी लाइट जो खाना जा रही है। ये देखो धीरे धीरे जो हमको चाहिए वो आ रहा है, और आई होप कि वो आने से पहले हम ऊपर पहुंच जाए। नहीं तो फिर सारा मजा किसीरा तो नहीं होगा, हम जरूर से विटनेस करेंगे। पर तो भी सन आने लगा है, धीरे धीरे वो अपनी झलक दिखा रहे हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट चढ़ चुके, और ये जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा लाइट, वो सनराइज आ रहा है, उसका सिग्नल हमको मिल रहा है। और अब तो ऊपर चढ़ के रहेंगे, भले मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि तो मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, शायद दिखूँगा थोड़ा बहुत दिखाई रहूँगा। भाई मुझे मत देखो, यहाँ से जो मैं सनराइज़ दिखाऊँगा ना थोड़ी देर में वो देखूँगा। तो भाई साहब हम लोग ऑलमोस्ट थोड़ा पहुँच चुके हैं, यहाँ से अभी भी लोग बोल रहे हैं कि 45 मिनट्स लगेंगे, पर अब ओ भाई ये देखो ये सनराइज़ के पहले का थोड़े से मोमेंट्स है शायद से। चुप, टाइम क्या हो रहा है? 6:30 हो रहा है गाइस। आई होप कि हम जब तक ऊपर पहुँचे तब तक सनराइज़ ना हुआ हो और फॉग थोड़ा ज़्यादा रहे, हमको सनराइज़ के यहाँ से भी गाइस सनराइज़ दिख रहा है पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा एटलीस्ट मुझे तो। चलो 6:30 का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। भाई बस इट तो गाइस मेरे ग्रुप से फाइनली मैं सबसे ऊपर पहुँचा हूँ, यहाँ से लास्ट का कुछ बाकी है शायद से, और बाकी योगेश सुरभि पप्पा ऋषि सब पीछे छूट गए। मैं अकेले ऊपर आया हूँ क्योंकि मुझे सनराइज़ देखना है और आप लोग को कैप्चर करना है, क्योंकि ये सनराइज़ सिर्फ मैं नहीं देखूँगा, मेरे साथ आप भी देखोगे। ये देखो फिलहाल इतना सन आ चुका है, हमें पीक से देखना है क्योंकि मुझे आप लोग को पीक से दिखाना है। मेरी यहाँ पर छोटी सी हवा क्या आ रही होगी क्योंकि मैं सारा थक चुका हूँ, मिलता है ऊपर। बाकी ये देखो दिस इज द हेवन, तो गाइस फाइनली मैं इतना ऊपर आके पानी पी रहा हूँ। वो देखो दैट इज द पीक एंड आई एम एट द बॉटम ऑफ द पीक भी नहीं, मतलब पीक से थोड़ा सा दूर, और अभी सुबह हो चुकी है, सनराइज किसी भी वक्त हो सकता है। पानी पीते दूस बॉटल और फिर चलेंगे, बाकी बहुत ही सेक्सी व्यू यहाँ से, वर्थ इट मिड नाइट ट्रैकिंग। पीक पे नहीं हूँ, पीक थोड़ा सा दूर है, पर ये भी पीक से किसी कम नहीं है क्योंकि यहाँ तक चढ़ने तक मैं अकेला चढ़ पाया हूँ, बाकी मेरे सारे जो भी मेरे साथी थे वो नीचे ही हैं, वो लोग जब पहुँचेंगे तब फिर उनसे बात होगी। फिलहाल मैं पानी पीता हूँ फिर मिलता हूँ। तो फाइनली आई एम एट द पीक ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इन महाराष्ट्र, बहुत ही मज़ा आया ये ट्रैक करके, मतलब हालांकि प्रॉपर पीक पे नहीं हूँ। वो देखो पीक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ जी हाँ वो पीक है, और यहाँ पे प्रॉपर स्टॉल्स है, यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा पानी पिया है होल्ड करके, अभी थोड़ा सा व्यू का मज़ा लो। मैं थोड़ा बहुत सिनेमेटिक डालता हूँ अभी, और सिनेमेटिक का मज़ा लो और सनराइज़ देखो मुझे नहीं। बाकी कैसा लगा कमेंट करना, बहुत ही मेहनत की है क्योंकि मेरे बाकी के सारे साथी लोग अभी नीचे ही है, और मैं आप लोगों के लिए एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी फिर भी पूरी अपनी जी जान लगा के यहाँ तक पहुँचाओ। तो आई होप यू विल लाइक द सनराइज़, और हमें सनराइज़ मिस नहीं करना था। इसलिए देखिए क्या मज़ा आया गाइस, ये पीछे का व्यू देखो, ये लाइट देख के जो क्रेज़ आ रहा है ना, जो रात भर इतना ट्रैवल किया वो सब वर्थ इट हुआ। इसके आगे भी गाइस मेरे बहुत से वीडियोज ऐसे आएंगे जिसमें मैं ट्रैक करता रहूँगा, और इन महाराष्ट्र ही, फिलहाल स्टार्ट अपन महाराष्ट्र से करते हैं। ये मेरा फर्स्ट ट्रैक था इन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ महाराष्ट्र, जो मैं सक्सेसफुली सबसे पहले पहुंचा मेरे ग्रुप में, तो खुशी भी है कि अपने बंदों को हराया, पर दुख है कि वो लोग ये व्यू नहीं देख पाएंगे। पर उसके लिए आपका भाई है ना, आपके भाई के व्लॉग को सब्सक्राइब करके रखो और मज़े लो ऐसे सनराइजेस के, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं और आपको सनराइज का मजा दूंगा। There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. सब लोग गाइस सनराइज के रिव्यू हो रहे हैं, और ऐसा सनराइज आपको देखने मिल रहा है महाराष्ट्र का हाईएस्ट पॉइंट से, आपको सनराइज देखने मिल रहा है, क्या बात है।
कितना क्राउडेड है, फुल क्राउडेड है। We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. Guys, I hope आप लोगों ने ये sunrise enjoy किया होगा और मस्त लगा होगा। मैंने पूरा ट्राई किया जितना भी मैं कैप्चर कर सकूं, और मैं सबसे पहले पहुंचा था हमारे पूरे ग्रुप में, और वो लोग अभी तक ऊपर तक नहीं पहुंचे। शायद उनको टाइम लगेगा, तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा पानी वानी पीऊँगा, यहीं पे रेस्ट करूँगा, और फिर जब जैसे जैसे सन ऊपर आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे और लाइट आती जा रही है, तो आप अब इन्जॉय करो इसको। और बाकी बहुत मज़ा आया, बाकी मेरा आवाज़ आ रहा है। Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too. Finally, पूरा sunrise हो चुका है। अगर आपको ये sunrise पसंद आया हो, तो make sure to like, comment, share और subscribe कर लो। अगर आपने subscribe नहीं किया हो, आप मैंने बहुत मेहनत की ये सनराइज़ कैप्चर करने के लिए। मेरी एनर्जी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई थी, फिर भी मैं इतना ऊपर चढ़ के आया हूँ, तो प्लीज़ इसी बात पे एक लाइक तो बनता है गाइस। ये सनराइज़ देखो बस, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे अकेले। गाइस एक खुशखबर देखो, फाइनली हमारे ग्रुप की सेकेंड मेम्बर जो चढ़ गई फाइनली, सुरभि फाइनली। इसको देखो गाइस, इसकी शक्ल देखो। जय भारत, बंदे मत। जो ऊपर एक ही टेम्पल है और बाकी जो सिनोडिक्स जो मैंने आपको बताया वही है। अभी हम लोग जो बाकी मेंबर्स थे वो लोग ने हार मान ली है, और वो लोग ने डिसाइड कर लिया है कि वो ऊपर नहीं आ रहे, तो वो लोग नीचे ही जो जहाँ पे सिर्फ मैं और हम दोनों ने पूरा कर पाए, और अभी वो लोग उधर ही रुके जहाँ पे मैं पानी पीने का रुका था, और मुझे पीक के थोड़ा सा पीक था वहाँ पर है। तो अब हम थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सिनेमेटिक आपको देंगे, और फिर जाएंगे सीधा नीचे उनके पास खाएंगे। तो So this was enough at the peak of Maharashtra, highest peak of Maharashtra guys. अब हम लोग वापिस जा रहे हैं, हम लोग के साथ ही जहाँ पे रुके वो लोग ऊपर आए नहीं, हम लोगों ने कम्प्लीट किया और यहाँ पे फोटो वोटो खींचे, हम नीचे जा रहे हैं फिर से। और बाकी अब दिस इज द ग्राउंड ऑन वीकेंड्स, तो अगर आप वीकडेज ना होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वीकेंड्स आपको ग्राउंड मिलेगा। और जो भाई कोई बात नहीं, अभी जो मैगी मिली वही खा रहे हैं, और बाकी जो हमने पोहा भी ऑर्डर किया था, ये आलू फ्रूट जूस, ये रहा पोहा, क्योंकि ये हेल्दी है वो लोग बोलते हैं ना। वापस से डिसेंड करना चालू कर दिया है, और जो वैसे इतना ऊपर हम लोग चढ़ के आए थे, सोचो रात को तो सब एकदम अंधेरा लग रहा था, अभी देखो कितना मस्त लग रहा है भाई। भाई सब लोग इतने रात को चढ़ते हो, ये बहुत आसान लग रहा था, आसान नहीं लग रहा था पर पता नहीं था क्या था। अब देखो कैसे उतर रहे सब, ओ भाई, और इतना पूरा नीचे तक उतरने गए सीधे, और इसको देखो पता भी नहीं चल रहा था कि ऐसे रास्ते भी है। हम लोग बस वो बैटरी से जो दिख रहा था आगे नीचे बस उतना देख के चलते थे। ये रास्ते देखो भाई, इतना चढ़ना, और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड लिया था, अभी फिर से चालू कर रहे,
डिसेंडिंग, बाकी हम तीनों आगे। गाइस अभी ना एक मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कल रात को मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि ठंडी बहुत थी और वो बहुत ही डरावनी भी थी। अब आपको वो क्लियरली दिखेगा, पर शायद ही मैं जब उसके ऊपर मैं जाऊंगा तब मैं नहीं करूंगा शूट, बाकी वो दिखाता हूँ। बस देखो, बस वो अभी आप बस देखिए आगे जा रही है और अब आ रही है एक सीढ़ी जिसमें मज़ा आने वाला है। गाइस ये देखो, अबे वो देखो गाइस, पूरा नीचे से जाती है ये सीढ़ी। और ये देखो, ये सीढ़ी बोला था सेकंड सीढ़ी। हां चलो पहला चलते। ये देखो गाइस, ये सीढ़ी से नीचे उतरना। ओ भाई सुरभि को देखो गाइस, क्या प्रत्यय चलेगा। हां अरे वो भी। और ये देखो, हां मैं जब तेरा जब तू दो तीन सीढ़ी आगे जा रही है तभी मैं उतर रहा हूं। और ये देखो इस टर्न पे देखो, ओ भाई ये देखो क्या व्यू है गाइस। और ऐसे सीढ़ी से उतर रहा और इतने वो भी इतने नीचे, इतने हाइट। ये चीज़ हम लोग रात को 3 बजे चढ़े थे। ये सीढ़ी देखो यहाँ से, और वो ऊपर की सीढ़ी देखो, मैं जूम करता हुआ थोड़ा सा वो देखो गाइस, वो सीढ़ी पूरा उतर के आए और इसके ऊपर एक और माउंटेन जैसा है उस पर गए थे वो देखो। एंड दिस अभी वापस से इतना उतरना है। स्लिपरी रास्ता है, रात को बता भी नहीं चल रहा था कि ये स्लिपरी रास्ता है। चढ़ते चढ़ते वक्त सब और हमारे योगेश भाई जान। और इसी के साथ ये टच की जासल। अरे बाप रे ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा हुआ हमको लगा। वाह ये देखो, हम लोग इतना चढ़े थे कल रात को 3 बजे इसके ऊपर गए थे, तो अभी सन बहुत ऊपर हो चुका है, बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है। अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं हम जहाँ पे कल रुके थे बारी बेस कैंप में, उसके बाद ये ट्रैक ख़त्म होगा और फिर हम लोग मुंबई के लिए निकलेंगे। तो फिर एंड द ट्रैक कम्स टू एन एंड और हमारा व्लॉग भी, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। और जय हिंद जय महाराष्ट्र। और ये हम लोग का फर्स्ट ट्रैक ऑफ महाराष्ट्र कल सुबह ही पूरा हो चुका है। बहुत मज़ा आया इस ट्रैक में, बहुत थके भी पर सनराइज़ मिला और बहुत मज़ा आया। और धन्यवाद, मिलेंगे अगले व्लॉग में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सब्बा खैर।